हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हुंडई इंडिया के स्टार्टिंग मॉडल इयॉन के बारे में। ये कार शुरू होती थी अपने ब्लैक बम्पर्स के साथ डिलाइट नॉन एसी एंड डिलाइट प्लस एसी वेरिएंट के साथ, लेकिन हाल ही में देखा गया है कि हुंडई ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट से इन दोनों ही वेरिएंट्स की डिटेल्स को हटा दिया गया है। हालांकि अभी तक कोई भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन हुंडई की तरफ से नहीं आई है कि ये दोनों वेरिएंट्स को वो कंटिन्यू करेगी या डिसकंटिन्यू। फिलहाल अगर हम उनकी वेबसाइट को देखेंगे तो इस समय इसके प्रेजेंट के तीन वेरिएंट्स आ रहे हैं, जो कि हैं एरा प्लस, मैग्ना प्लस एंड स्पोर्ट्स। चलिए साथ ही साथ जान भी लेते हैं इन कार्स के प्राइसिंग्स को भी। तो अगर आप एरा प्लस के एक्स शोरूम कॉस्ट दिल्ली को चेक करेंगे तो ये आता है 3,87,152 रुपीज़ में। वहीं इसका जो मैग्ना का प्राइस दिया हुआ है वो है 4,18,446 रुपीज़ का। और इसका जो टॉप वेरिएंट स्पोर्ट्स है उसका अगर एक्स शोरूम प्राइस को चेक करेंगे तो वो दिया हुआ है 4,46,389 रुपीज़ में। तो आज हम अपने इस वीडियो में बेस मॉडल बन चुका इयॉन एरा प्लस के बारे में बात करेंगे। कार दुनिया से मैं विनी आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो की। जैसे कि आप इसके फ्रंट में देख सकते हैं, इसमें सामने की तरफ दे रखा है स्माइल करता हुआ ग्रिल, जो कि है हाफ बॉडी कलर में और हाफ क्रोम में, और इसी के बीच में आपको मिलेगा क्रोम में हुंडई का लोगो। ये आप देख सकते हैं इसमें हेक्सागोनल शेप में दिया हुआ है इसका रेडिएटर ग्रिल। इसमें आते हैं रैप अराउंड हेडलैम्प्स जो कि हैं हैलोजन बेस्ड, और उसी के नीचे दे रखे हैं इसमें टर्न इंडिकेटर्स। ये इस कार का फ्रंट लुक है आपके सामने। इस कार की अगर आप विड्थ को चेक करेंगे तो ये है 1550 mm की। इसमें आते हैं ट्यूबलेस टायर्स 13 इंच स्टील व्हील्स के साथ। ये आप देख सकते हैं इस वेरिएंट में आपको व्हील कैप्स नहीं मिलेंगे। फेंडर्स में ही दे रखे हैं टर्न इंडिकेटर्स। आउटसाइड मिरर्स हैं इस कार के ब्लैक कलर के, और ये मिरर सिर्फ ड्राइवर साइड पे ही दिया हुआ है। अगर आप अपोजिट साइड पे जाके चेक करेंगे तो आपको को ड्राइवर साइड पे इसमें ये ORVMs नहीं मिलेंगे। आउटसाइड हैंडल्स भी इस कार में ब्लैक कलर के आते हैं। इसकी साइड की स्टाइलिंग को सपोर्ट करती हैं ये करेक्टर लाइंस। ये आप देख सकते हैं इस कार के साइड के लुक को। फर्दर इसके अगर हम डायमेंशंस की बात करेंगे तो इसकी जो लेंथ दे रखी है वो 3495 mm की है, हाइट 1500 mm, व्हील बेस 2380 mm का है, और इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा वो 170 mm में दिया हुआ है। बैक में आप देख सकते हैं इसमें दे रखा इंटीग्रेटेड स्पॉइलर, और उसी के नीचे दिया हुआ हाई माउंटेड स्टॉप लैंप। फर्दर अगर इसके बैक के लुक को और ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे तो इसमें मिलेगा इयॉन का क्रोम में एम्बलम, और उसी के बगल में हुंडई ने अपनी ब्रांडिंग की हुई है। इस कार का जो रियर विंडशील्ड है उसमें आप देख सकते हैं सराउंडिंग्स में ब्लैक रंग का शेड बैंड दिया हुआ है, जो कि कंट्रोल करता है एक्सेसिव सनलाइट को। इस कार के बैक के लुक को और ज्यादा खूबसूरत बनाता है ये हाफ मून शेप में दिए हुए इसके टेल लैंप्स। ये आप देख सकते हैं इस कार के फुल बैक लुक को। ड्राइवर फुट के पास आपको मिलेंगे ये दो लीवर टेल गेट एंड फ्यूल कैप ओपन करने के लिए। आप यहां से की इंसर्ट के थ्रू भी इसके टेल गेट को ओपन कर सकते हैं। टेल गेट को ओपन करने के बाद आप ये देख सकते हैं इसमें दे रखा है ये ओपन स्पेस, यानी इस वेरिएंट में पार्सल ट्रे नहीं आती है। इस फ्लैप के नीचे आप देख सकते हैं इसका स्पेयर व्हील रखा हुआ है। अगर आप इस कार के बूट स्पेस को और ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो इसकी रियर सीट्स को आप बेंड कर सकते हैं। ये बेंड करने के बाद आपके सामने इस कार का बूट स्पेस कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ये इस कार की दोनों मैनुअल कीज आपके सामने हैं। ये कीज आती हैं फैक्ट्री फिटेड इमोबिलाइजर के साथ, यानी इसमें दे रखा है एंटी थेफ्ट सिक्योरिटी सिस्टम। इन कीज की अगर कोई भी डुप्लीकेट कीज बना लेगा तो भी इस कार के इंजन को ऑपरेट नहीं कर पाएगा। ये इस कार की कीज में दे रखा है एक सिक्योरिटी फीचर। इयॉन एरा प्लस आती है विदाउट सेंट्रल लॉकिंग के साथ। अगर आपने ड्राइवर साइड से इसके डोर्स को ओपन किया है तो आप ये देख सकते हैं इसके बाकी डोर्स ओपन नहीं होंगे, यानी इस कार के सारे डोर्स के लॉक्स को आपको इंडिविजुअली ओपन क्लोज करना पड़ेगा। इस कार का जो इंटीरियर दिया हुआ है वो है ग्रे एंड बेज कलर में, जो कि अंदर से देता है इस कार को एक रिच लुक।
इसके रियर डोर्स को चेक करेंगे तो ये बेज कलर में दे रखा है, जिसमें ग्रे कलर का इसमें हैंडल लगा हुआ है। इसमें रियर में पावर विंडोज नहीं आती हैं, यानी इस मैनुअल लीवर से ही आपको विंडोज को ओपन क्लोज करना पड़ेगा। रियर की सीटों को चेक करेंगे, ये सीट्स बेज कलर में आती हैं, तो इसमें दे रखे हैं इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट। इसके पॉलिथिन को हटा के मैं आपको दिखाता हूं इसकी सीटों की मटेरियल क्वालिटी को। ये आप देख सकते हैं इसमें हाई क्वालिटी की प्यू मटेरियल सीट्स दी हुई हैं। ड्राइवर्स डोर्स को चेक करेंगे तो इसमें फ्रंट की टू पावर विंडोज आती हैं, ये उनके दोनों स्विचेस दिए हुए हैं। इसमें फुल आर्मरेस्ट दे रखा है जो कि ड्यूअल टोन में है। नीचे की तरफ देखेंगे तो एक वाटर होल्डर और मैगजीन रखने के लिए इसमें मैप पॉकेट दिया हुआ है। म्यूजिक सिस्टम के स्पीकर्स को लगाने का यहाँ पे स्पेस आपको मिलेगा। आउटसाइड मिरर्स इस कार के मैनुअल हैं, इनको आपको हाथ से ही ओपन क्लोज करना पड़ेगा, प्लस अंदर के जो आप मिरर्स को है वो भी हाथ से ही एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे। ड्राइवर सीट को चेक करेंगे तो ये आती है फोर वे मैनुअल एडजस्टमेंट्स के साथ। कंफर्टेबल जर्नी के लिए फ्रंट की दोनों सीटों को बकेट टाइप डिजाइन में बनाया गया है, प्लस इनकी कुशनिंग्स भी काफी बेटर मिलेगी। ये इस कार का डैशबोर्ड आपके सामने है जो कि अगेन ग्रे एंड बेज कलर में आता है। ये बहुत ही ब्यूटीफुली डिजाइन किया गया है। चलिए अब अंदर चढ़ के इसके डैशबोर्ड को और ज्यादा चेक करते हैं। इसमें टू स्पोक इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टेयरिंग मिलेगा। स्टेयरिंग के बैक साइड में अगर आप लेफ्ट साइड चेक करेंगे तो इसमें वाइपर्स को ऑपरेट करने का ये लीवर दे रखा है। राइट साइड में हेडलैम्प्स को कंट्रोल करने के लिए ये लीवर दिया हुआ है। ड्राइवर नी के पास आपको मिलेगा ये हेडलैम्प लेवलर, इसके थ्रू आप हेडलैम्प्स की बीम्स को भी एडजस्ट कर सकते हैं। ये इस कार के इंस्ट्रूमेंट पैनल की आप डिजाइन को देख सकते हैं, जिसमें लेफ्ट साइड पे मिलेगा इंजन टेम्परेचर, बीच में दिया हुआ स्पीडोमीटर और राइट साइड में इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल गॉज। नीचे की तरफ आपको मिलेगा एक MID डिस्प्ले जिसमें आप कुछ इन्फॉर्मेशन को चेक कर सकते हैं, जैसे कि इसमें आप ट्रिप ए ट्रिप बी को देख सकते हैं, टोटल किलोमीटर्स को चेक कर सकते हैं, प्लस इसमें गियर शिफ्ट इंडिकेटर भी दे रखा है, यानी अगर आप गलत गियर पे कार को ड्राइव करेंगे तो यहाँ पे इंडिकेट कर देगा किस गियर पे कार को होना चाहिए। ये इस कार के सेंटर कंसोल की डिजाइन आपके सामने है, जिसके साइड्स पे दे रखा है सिल्वर लाइनिंग। सबसे टॉप में मिलेगा हैजार्ड वार्निंग लाइट स्विच, यानी इस बटन से आप सारे इंडिकेटर्स को ऑन कर सकते हैं। इस वेरिएंट में कंपनी फिटेड म्यूजिक सिस्टम नहीं आता है, जिसमें आप 1 DIN या 2 DIN का म्यूजिक सिस्टम अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग लगवा सकते हैं। नीचे की तरफ दिया हुआ है मैनुअल 3 knob बेस्ड AC+ हीटर, जिसमें सबसे लेफ्ट पे जो नॉब दे रखा है उससे आप इसके टेम्परेचर को सेट कर सकते हैं, मिडिल नॉब से एयर फ्लो डायरेक्शंस को, एंड राइट वाली नॉब से एयर फ्लो की स्पीड को आप सेट कर सकते हैं, और उसके बीच में दिया हुआ ये AC को ऑन ऑफ करने का बटन। नीचे की तरफ दे रखा है एयर सर्कुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, जिसको अगर आप लेफ्ट साइड पे करेंगे तो उसका एयर सर्कुलेशन ऑफ हो जाएगा एंड राइट साइड पे वापस स्टार्ट हो जाएगा। फ्रंट में 12 वोल्ट का पावर आउट दिया हुआ है, जिसमें आप कोई भी 12 वोल्ट का अटैचमेंट जैसे कि मोबाइल चार्जर को लगा सकते हैं। ड्राइवर हेड के पास आपको मिलेगा इस कार की केबिन लैंप, मैनुअल रियर व्यू मिरर मिलेगा। अगर इस कार की टोटल स्टोरेज स्पेस को चेक करेंगे तो ये दे रखा है ग्लोब बॉक्स स्टोरेज, उसके ऊपर यूटिलिटी आइटम्स को रखने के लिए एक स्पेस बनाया हुआ है। नीचे की तरफ भी आप एक स्टोरेज स्पेस को देख सकते हैं, प्लस फ्रंट की दोनों डोर्स पे भी वाटर होल्डर्स एंड मैप पॉकेट स्टोरेज दिया हुआ है। डैशबोर्ड के टॉप पे यहाँ पे एक पेडेस्टल स्पेस दिया हुआ है, जिसमें आप कोई भी डिविनिटी या रिलीजियस फोटोग्राफ को फिक्स कर सकते हैं। ये इस कार की 5-speed गियर नॉब लीवर की डिजाइन को आप देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं इस कार के इंजन कंपार्टमेंट की। ये कार 0.8 लीटर के पेट्रोल इंजन में आती है, जिसकी इंजन कैपेसिटी 814 cc की है, जो कि मैक्सिमम पावर जनरेट करती है 56 PS की 5500 RPM पे, एंड टॉर्क बनाती है 7.6 kgm का 4000 RPM पे। ये 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन में आपको कार मिलेगी, जिसका ARIA सर्टिफाइड माइलेज 22.03 km/L का दिया हुआ है।
सो गाइस, ये थी हुंडई की एरा प्लस। इस कार में हुंडई ने हर चीज को ध्यान दिया है, चाहे उसकी स्टाइलिंग की बात करें, राइड कंफर्ट की बात करें या स्टोरेज स्पेसेस की। ये कार और मेरा वीडियो आपको कैसा लगा है? हमें बताइएगा जरूर। उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी आपको मिलते रहें। थैंक यू।